चांदनी चौक भारत के पुरानी दिल्ली के सबसे पुराने और व्यस्ततम बाजारों में से एक है। ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। लाल किला स्मारक चांदनी चौक के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में भारत के मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था और उनकी बेटी जहांआरा द्वारा डिजाइन किया गया था। चांदनी रात को प्रतिबिंबित करने के लिए बाजार को एक बार नहरों अब बंद द्वारा विभाजित किया गया था। यह भारत के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक बना हुआ है। 1843 में चांदनी चौक में ईद पर सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का जुलूस। चांदनी चौक पर मौजूदा दिल्ली टाउन हॉल, नगरपालिका हॉल, जिसके सामने स्वामी श्रद्धानंद की मूर्ति है। बाजार का इतिहास राजधानी शहर शाहजहानाबाद की स्थापना से जुड़ा है, जब सम्राट शाहजहां ने अपनी नई राजधानी के अलावा यमुना नदी के तट पर लाल किले की स्थापना की थी। जहांआरा बेगम का कारवां सराय, जिसने सर थॉमस थियोफिलस मेटकाफ के 1843 एल्बम से मूल चांदनी चौक का निर्माण किया। 1860 के दशक में चांदनी चौक, मूल चांदनी चौक, अर्ध चंद्रमा के आकार का चौक, नगरपालिका टाउन हॉल के सामने स्थित था और इसका प्रतिबिंब इसके सामने स्थित चांदनी जल कुंड में चमकता था। यमुना से एक उथला जल चैनल बनाया गया था जो सीधी सड़क के बीच से होकर गुजरता था, जिसे वर्तमान में चांदनी चौक बाजार के रूप में जाना जाता है। चैनल के दोनों ओर सड़कें और दुकानें थीं। इस सड़क पर तीन बाजार थे, चांदनी चौक या मूनलाइट स्क्वायर, और इसके तीन बाजारों को 1650 ईस्वी में शाहजहां की पसंदीदा बेटी राजकुमारी जहांआरा बेगम द्वारा डिजाइन और स्थापित किया गया था। मूल रूप से 1560 दुकानों वाला यह बाजार 40 गज चौड़ा और 1520 गज लंबा था। परिसर के केंद्र में एक पूल की उपस्थिति से एक वर्ग के आकार के बाजार को भव्यता प्रदान की गई थी। पूल चांदनी में झिलमिला रहा था, एक विशेषता जो इसके नाम के लिए जिम्मेदार थी। दुकानें मूल रूप से आधे चंद्रमा के आकार के पैटर्न में बनाई गई थीं, जो अब लुप्त हो गई हैं। ये बाजार अपने चांदी के व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था, जिसने सिल्वर स्ट्रीट के नाम में भी योगदान दिया है, क्योंकि हिंदी में चांदी को चंडी कहा जाता है, जिसका थोड़ा सा रूप बदलकर चांदनी बनता है। 1870 के दशक में चौक के पूल को क्लॉक टॉवर घंटाघर से बदल दिया गया था। बाजार के केंद्र को अभी भी घंटाघर के नाम से जाना जाता है। चांदनी चौक कभी सबसे भव्य भारतीय बाजार था। मुगल शाही जुलूस चांदनी चौक से होकर गुजरते थे। ये परंपरा तब भी जारी रही जब 1903 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। दिल्ली टाउन हॉल का निर्माण 1863 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। शाहजहानाबाद, चारदीवारी, अब लाल किले के लाहौरी गेट से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक चारदीवारी वाले शहर के बीच से होकर गुजरने वाली पूरी सीधी सड़क को चांदनी चौक कहा जाता है। फिर सड़क को निम्नलिखित तीन बाजारों में विभाजित किया गया। उर्दू बाजार, मुगल शाही महल के लाहौरी गेट से गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के पास चौक कोतवाली तक उर्दू बाजार यानी पड़ाव बाजार कहा जाता था। उर्दू भाषा को इसका नाम इसी पड़ाव से मिला। गालिब ने 1857 के भारतीय विद्रोह और उसके बाद की गड़बड़ी के दौरान इस बाजार के विनाश का उल्लेख किया। फतेहपुरी बाजार, चांदनी चौक से फतेहपुरी मस्जिद तक सीधी सड़क वाले हिस्से को मूल रूप से फतेहपुरी बाजार कहा जाता था। अब भीड़भाड़ से तंग आकर बाजार ने अपना ऐतिहासिक चरित्र बरकरार रखा है। किनारी बाजार में नौग्रह हवेली, जिस सड़क को अब चांदनी चौक कहा जाता है, उसमें कई सड़कें थीं जिन्हें कूचा, सड़कें, पंथ कहा जाता था। पटरा नील में चुन्नामल हवेली, मिर्जा गालिब की हवेली, गली कासिम जान, गली बल्ली मारान। सीताराम बाजार में हक्सर हवेली, जहां जवाहरलाल नेहरू का विवाह 8 फरवरी 1916 को कमला नेहरू से हुआ था। उनका जन्म यहीं हुआ था और उनके परिवार ने 1960 के दशक में इसे बेच दिया था। हवेली में मुशायरों का आयोजन होता था। पानी के कुएं वाला हवेली बनारसी भवन मस्जिद खजूर क्षेत्र में श्री दिगंबर मेरू जैन मंदिर के पास स्थित है। हवेली नहरवाली, कूचा सादुल्ला खान, जहां पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का जन्म हुआ था और उनके दादा ने इसे प्रेमचंद गोला को बेच दिया था, जिनके नाम पर इस क्षेत्र को अब गोला मार्केट कहा जाता है। इसका स्वामित्व मूल रूप से मेवात के हिंदू राजा नाहर खान के पास था, जिन्होंने 1355 में फिरोज शाह तुगलक के युग के दौरान इस्लाम धर्म अपना लिया था, इसलिए इसे ये नाम दिया गया। खजांची हवेली, खजांची शाहजहां के मुनीम थे। उनके नाम पर एक सड़क का नाम गली खजांची रखा गया है। एक लंबी सुरंग हवेली और लाल किले को जोड़ती है ताकि धन का सुरक्षित हस्तांतरण किया जा सके। ये चांदनी चौक के प्रवेश द्वार के करीब है। लाल किले से फतेहपुरी की ओर चलें, दरीबा की ओर सड़क पर बाएं मुड़ें और हवेली उस सड़क के अंत में है जो दरीबा और एस्प्लेनेड रोड को जोड़ती है। हवेली राजा जुगल किशोर, एक भव्य हवेली जिसमें एक भव्य द्वार था जो एक बड़े घंटे घंटी से सुशोभित था। गेट के बगल में स्थित हवेली में सड़क की ओर खुलने वाला एक कमरा, हवेली के मालिकों द्वारा लाला सुखलाल को एक परोपकारी भाव के रूप में एक मिठाई की दुकान खोलने के लिए दिया गया था, जिसे घंटे के नीचे वाला हलवाई के रूप में पहचाना जाने लगा। देखे घंटे वाला,
हवेली के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। कूचा मालीवाड़ा और कोतवाली चबूतरा के बीच कूचा ए हवेली राजा जुगल किशोर।